मोहनलाल वर्मा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय राजिम, जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़, बी कॉम भाग दो, नियमित लेखांकन कॉर्पोरेट अकाउंट यूनिट दो के अंतर्गत कंपनी के समापन के संबंध में अपना वीडियो लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूँ। कंपनी के समापन में सबसे पहले कंपनी का समापन का अर्थ, कंपनी के समापन विघटन का आशय, समापन और विघटन में क्या अंतर है, समापन की कौन कौन सी विधियां हैं, निस्तारक का अंतिम लेखा विवरण कैसे तैयार किया जाता है और इसमें अवस्था विवरण या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किस दशा में तैयार करके प्रस्तुत किया जाता है और अंशदायी या धनदाता क्या होता है, इस संदर्भ में, इस विषय में और इस लेक्चर के माध्यम से जानकारी देंगे। तो सबसे पहले कंपनी क्या होता है, कंपनी का समापन क्या होता है। तो भारत कंपनी जो होता है एक कानूनी व्यक्ति होता है जिसका जन्म कानून के द्वारा होता है और इसका अंत भी कानून के द्वारा होता है। तो इस प्रकार का समापन का आशय एक ऐसे कार्यवाही से है जिसमें कंपनी का व्यापार को बंद कर दिया जाता है, कंपनी की संपत्तियों को बेच दी जाती है और उससे प्राप्त धन को अन्य प्रकार से एकत्रित किए हुए धन को समापन के खर्च लेनदारों को भुगतान करने के बाद के लिए प्रयोग किया जाता है। और यदि विभिन्न प्रकार के लेनदारों को भुगतान करने के बाद भी कुछ शेष राशि बच जाती है तो उसे अंशधारियों को बांट दिया जाता है। यदि कंपनी के पास समापन के समय इतना धन एकत्रित नहीं हो पाता कि वह समस्त लेनदारों का पूरा पूरा भुगतान कर सके तो ऐसी दशा में कंपनी के अंशधारियों से उनके दायित्व के अनुसार रकम मांगी जाती है जो पूर्ण चुकता अंशों के धारकों से कुछ वसूली नहीं की जा सकती और अवशिष्ट याचना से जो भी प्राप्त होता है उनसे लेनदारों को भुगतान किया जाता है। तो लेनदार को भुगतान करने के बाद करने के लिए और इस प्रकार से संपत्तियों को बेचने और दायित्वों के भुगतान करने के लिए जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है उस व्यक्ति को समापक या निस्तारक कहते हैं, लिक्विडेटर्स कहा जाता है। तो विघटन किसको कहा जाता है, तो विघटन का आशय होता है कंपनी का समापन या अवसायन से आशय उस प्रक्रिया से है जो एक कंपनी का जीवन का अंत करती है। तो कंपनी का समाप्त होना, जीवन उनका अंत होना ही कंपनी का समापन कहलाता है या विघटन कहलाता है। समापन और विघटन में क्या अंतर है, तो समापन और विघटन में तो सबसे पहले अंतर है आशय का। समापन एक प्रक्रिया है जिससे कंपनी के विघटन की स्थिति में लाया जाता है और विघटन समापन की प्रक्रिया का अंतिम परिणाम है। अस्तित्व के आधार पर भी बांटा अंतर स्थापित किया जा सकता है। समापन की कार्यवाही के पूर्ण होने तक कंपनी का वैधानिक अस्तित्व बना रहता है और इसमें कंपनी का विघटन की दशा में कंपनी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। व्यवसाय के संचालन में अंतर स्थापित कर सकते हैं कि समापन की अवधि में के दौरान यदि आवश्यक हो तो कंपनी के हित में व्यवसाय का संचालन किया जा सकता है, लेकिन विघटन की दशा में प्रश्न ही नहीं उठता कि व्यवसाय का संचालन करने के संदर्भ में। समापक या निस्तारक की नियुक्ति जो की जाती है यदि समापन की दशा होता है तो ऐसी दशा में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए, ताकि कंपनी की जो संपत्तियां हैं उनको विक्रय कर सके और उनसे दायित्व को वितरित कर सके, तो इस विधि को करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, तो कंपनी के समापन में की जाती है। विघटन में कभी भी प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता और विधि के आधार पर या उसके मेथड के आधार पर समापन का मेथड जो होता है
एक प्रोसेस के रूप में चलता है, एक प्रक्रिया होता है, जबकि समाप्त विघटन जो होता है एक कंपनी के लिए समाप्ति होती है। कंपनी की समापन की विधियां भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के पहले की अधिनियम में कंपनी की समापन की तीन विधियां प्रचलित थी। पहला जो था न्यायालय द्वारा अनिवार्य समापन था, दूसरा स्वेच्छा से समापन था और तीसरा न्यायालय के संरक्षण में समापन था। इस प्रकार से कंपनी अधिनियम 2013 में कंपनी के समापन की केवल दो विधियां बताई गई है। तो सबसे पहला विधिया है ट्रिब्यूनल या न्यायाधिकरण द्वारा समापन, ट्रिब्यूनल के द्वारा समापन कहा जा सकता है। दूसरा स्वेच्छा से समापन, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कहा जा सकता है। ट्रिब्यूनल या न्यायाधिकरण द्वारा समापन जो होता है तो उन समापन को के संदर्भ में कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत इसे अनिवार्य समापन भी कहा जाता है। मतलब जब कंपनी का समापन न्यायालय के स्थान पर या पर राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाता है तो उसको अनिवार्य समापन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अनिवार्य समापन जो होता है या ट्रिब्यूनल द्वारा कंपनी का समापन होता है वह विशेष प्रस्ताव के द्वारा होता है और दूसरा ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता के द्वारा होता है। विशेष प्रस्ताव के अंतर्गत पारित किया जाता है कि कंपनी का समापन ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाए तो कंपनी के संचालक ट्रिब्यूनल में कंपनी के समापन हेतु आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आवेदन प्राप्त करने पर ट्रिब्यूनल समापन का आदेश निर्गत करने के लिए बाध्य नहीं होता। ऋणों के भुगतान में असमर्थता की दशा में कंपनी अपने ऋणों के भुगतान में असमर्थता होती है या असमर्थ होती है तो कंपनी का ट्रिब्यूनल द्वारा समापन किया जा सकता है। तो यह निम्नलिखित परिस्थिति में एक कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ मानी जाती है यदि कोई ऐसा ऋणदाता जिसे 1 लाख रुपये से अधिक कंपनी से लेने हो और अपने ऋण के भुगतान की मांग कंपनी से करता हो परंतु कंपनी 21 दिन के भीतर न तो इसका भुगतान करते हो और न किसी भी प्रकार से इसे जानकारी देती है। दूसरा, यदि कंपनी अपने ऊपर हुई न्यायालय या ट्रिब्यूनल की डिक्री का पूर्ण या आंशिक भुगतान नहीं कर पाती, यदि ट्रिब्यूनल कंपनी के आकस्मिक दायित्वों को ध्यान में रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है तो उस दशा में भी ऋण का भुगतान करने की असमर्थता मानते हुए ट्रिब्यूनल के अधीन समापन किया जा सकता है। देश के विरुद्ध कार्य करने की दशा में भी होता है, यदि कंपनी भारत की प्रभुसत्ता, अखंडता, देश की एकता, सुरक्षा या विदेशों से मित्रतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यस्तता, शालीनता और नैतिकता के विरुद्ध यदि कार्य किया जाता है तो भी न्यायालय के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। और बीमार कंपनियों के संबंध भी हो सकता है, विषय हो सकता है बीमार कंपनी के विषय में, तो बीमार कंपनी के विषय में भी समापन की जा सकती है। तो यदि ट्रिब्यूनल ने बीमार कंपनियों के पुनर्वास के लिए समापन का आदेश दिया है, अर्थात जब ट्रिब्यूनल को विश्वास हो जाता है कि बीमार औद्योगिक कंपनी का भविष्य में उचित समय में अपने शुद्ध मूल्य नहीं प्राप्त कर सकते तो भविष्य में वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पूरा नहीं कर पाएगी तो समाप्त किया जा सकता है। यदि कंपनी का काम कपटपूर्ण ढंग से चलाया जा रहा हो, मतलब यदि ट्रिब्यूनल विचार में कंपनी का कार्य कपटपूर्ण ढंग से चलाया जा रहा है या कंपनी का गठन जो हुआ है धोखाधड़ी या गैरकानूनी उद्देश्य के लिए किया गया जा रहा है तो कंपनी की स्थापना प्रबंध के संबंधित व्यक्ति कपट, बेईमानी, दुर्व्यवहार के दोषी हो या उचित है तो कंपनी का समापन कर दिया जाए तो ऐसी दशा में अधिकृत केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति ट्रिब्यूनल के प्रति आवेदन कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल उस कंपनी की जांच करके उस कंपनी का समापन का आदेश दे सकते हैं और कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणी दर्ज करने में त्रुटि हो, कंपनी यदि रजिस्ट्रार के पास निरंतर 5 वर्षों से वित्तीय विवरण या वार्षिक विवरण
जमा नहीं कर पा रहे हैं या त्रुटि हो रही है जमा करने में, तो उस दशा में भी समापन किया जा सकता है और समापन जो है उचित एवं न्यायपूर्ण हो तो ट्रिब्यूनल द्वारा कंपनी का समापन करना उचित एवं न्यायपूर्ण होता है। दूसरा जो रहता है स्वेच्छा से समापन, जब कंपनी के सदस्य एवं लेनदार ट्रिब्यूनल से के हस्तक्षेप के बिना समापन संबंधी प्रक्रिया अपनाते हैं तो इसे स्वेच्छा से समापन कहते हैं। और इस प्रकार के समापन में ट्रिब्यूनल द्वारा किए जाने वाले समापन की अपेक्षा बहुत ही लाभ होता है और कंपनी अधिनियम के भी प्रतिबद्ध भी नहीं है, प्रतिबंध नहीं है जितने कि ट्रिब्यूनल द्वारा समापन में है। इसलिए इस प्रकार का समापन का तरीका अपनाया जाता है, स्वेच्छा से अपनाया जाता है। तो स्वेच्छा से समापन दो प्रकार के होते हैं, पहला सदस्यों की स्वेच्छा से समापन मेंबर वॉलेंट्री लिक्विडेशन और दूसरा लेनदारों की स्वेच्छा से समापन क्रेडिटर्स वॉलेंट्री लिक्विडेटर्स। तो सदस्यों की स्वेच्छा से समापन किसको कहते हैं कि जब कंपनी के सदस्य स्वेच्छा से समापन किया जा सकता है जब अवधि समाप्त हो या घटना के घटित होने पर, यदि कंपनी अंतर्नियमों के द्वारा निर्धारित कंपनी की अवधि अर्थात उसका जीवन काल समाप्त हो गया हो अथवा या घटना के घटित हो जाए या जिसके घटने पर कंपनी का समापन करना अंतर्नियमों के अनुसार निश्चित है, तो इस दशा में साधारण सभा में एक प्रस्ताव पारित करके कंपनी का समापन कर सकती है। दूसरा जो होता है सदस्यों के द्वारा विशेष प्रस्ताव पास करके कि स्वेच्छा समापन के लिए भी एक विशेष प्रस्ताव पास कर सकती है तो कंपनी स्वेच्छा से समापन कर सकता है। कंपनी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि जब इस प्रकार का विशेष प्रस्ताव पारित किया जाए तो उनके कारणों को बताएं कि किस लिए वह विशेष प्रस्ताव पारित किया गया है। तो स्वेच्छा से समापन के प्रस्ताव का प्रकाशन भी किया जाता है, यदि स्वेच्छा से समापन का प्रस्ताव पारित कर देती है तो इसके पास होने के 14 दिन के अंदर सरकारी गजट में या उस जिले के समाचार पत्र में या जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय होता है तो इस प्रकार की सूचना देना आवश्यक होता है और इसका उल्लंघन करने पर कंपनी और कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी पर त्रुटि की अवधि में 5,000 रुपये तक प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड लगाया जा सकता है। लेनदारों की स्वेच्छा से समापन, तो लेनदार जब कंपनी के संचालक द्वारा रजिस्ट्रार के पास कंपनी की शोधन क्षमता की कोई घोषणा प्रस्तुत नहीं की जाती तो इस दशा में समापन होता है तो लेनदारों की स्वेच्छा से समापन कहा जाता है। लेनदारों की सभा होती है, उन सभा बुलाई जाती है उसी दिन, उसके अगले दिन के पहले दिन कंपनी के अंशधारियों की सभा बुलाई जाती है और अंशधारियों के सभा बुलाने के दूसरे दिन लेनदारों की सभा भी बुलाई जाती है और लेनदारों के पास भी सूचना डाक द्वारा उसी समय भेजना चाहिए कि सभी सदस्यों के द्वारा भेजी गई हो। और सभा के में स्थिति विवरण रखना कि लेनदारों की सभा में एक संचालक अध्यक्ष होता है और इस सभा में संचालकों द्वारा कंपनी की पूरी स्थिति विवरण, कंपनी के लेनदारों की सूची और ऋणों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। बुलाई गई इस सभा में 2/3 रकम के ऋणदाता सोचते हैं कि सभी पक्षकारों के हित में कंपनी का स्वेच्छा से समापन कर दिया जाए तो कंपनी का स्वेच्छा से समापन कर दिया जाए। दूसरा जो स्थिति होती है स्वेच्छा से समापन में, यदि कंपनी की संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त धन से कंपनी के ऋणों का पूर्ण रूप से चुकाने में असमर्थ है तो इस बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि सभी पक्षकारों को हित को ध्यान में रखते हुए कंपनी का ट्रिब्यूनल द्वारा या समापन द्वारा समापन करवा लिया जाए और इस दशा में 14 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं निस्तारक का अंतिम लेखा विवरण कि कंपनी के समापन की दशा में कंपनी की संपत्तियों को बेचने के लिए और बेची गई राशि से जो प्राप्त धनराशि है उन धनराशि से दायित्वों का भुगतान करने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया को करने के लिए जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है उस व्यक्ति को
निस्तारक कहा जाता है, और उनके द्वारा जो लेखे तैयार किए जाते हैं तो उस लेखे को निस्तारक का अंतिम लेखा विवरण कहा जाता है। तो सरकारी निस्तारक की भी नियुक्ति की जाती है। जहाँ ट्रिब्यूनल द्वारा कंपनी का संबंध है तो सरकारी निस्तारक की नियुक्ति केंद्र सरकार के ट्रिब्यूनल के द्वारा गठित ट्रिब्यूनल के लिए गठित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अधिवक्ता, कंपनी सचिव, कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट की व्यावसायिक फर्मों या इन व्यवसायों से मिल करके बने फर्मों के लिए एक पैनल से की जाती है, या समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसे व्यवसायियों से मिलकर बने नियमित निकाय हो सकती है। इसके लिए सदस्य केंद्र द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक या अंशकालिक अधिकारी भी हो सकता है। तो ये जो निस्तारक होते हैं, निस्तारक के द्वारा जो लेखा तैयार करेंगे उस लेखे को निस्तारक का अंतिम लेखा विवरण कहा जाता है। तो निस्तारक के द्वारा जो लेखा विवरण तैयार किया जाता है तो उस लेखे के अंतर्गत दो पक्ष होते हैं। एक होता है प्राप्ति का पक्ष, तो प्राप्ति की पक्ष में अनुमानित मूल्य होता है और वसूली की गई राशि या रोकीकृत राशि कहा जा सकता है। और दूसरा पक्ष जो होता है, जितने वसूल की जाती है उन वसूल की गई राशि को क्रमशः भुगतान किया जाता है। तो भुगतान पक्ष को निस्तारक के द्वारा जितना भुगतान किया जाता है उन भुगतानों को लिखा जाता है। तो ये इनके दो पक्ष होते हैं, प्राप्ति पक्ष और भुगतान पक्ष। तो प्राप्ति पक्ष की ओर सबसे पहले रोकड़ और बैंक को लिखा जाता है। रोकड़, यदि उनके पास कंपनी के पास रोकड़ होता है या रोकड़ या बैंक में जमा होती है, उस राशि को सबसे पहले प्राप्ति पक्ष को लिख दिया जाता है। फिर उनके पास संपत्तियों से जो वसूली होती है, मतलब संपत्ति से चल संपत्ति और अचल संपत्ति, तो इन संपत्तियों को बेचने से जो प्राप्त होता है या वसूल करने से जो प्राप्त होता है उन प्राप्त राशि को लिखा जाता है। फिर वसूली की ओर जो रहता है सुरक्षित लेनदारों का आधिक्य, सुरक्षित लेनदारों के आधिक्य से जो राशि प्राप्त हो, सुरक्षित लेनदार किसको कहा जाता है, कंपनी के द्वारा ऋण लिया गया होगा और उन ऋण के बदले में प्रतिभूति के रूप में या गिरवी के रूप में रखी गई संपत्ति होगी। तो यदि संपत्ति की राशि से वसूली राशि अधिक होती है और ऋण की राशि कम होती है तो उस ऋण का भुगतान करके शेष राशि को वसूल की जाती है, तो उसको कहा जाता है सुरक्षित लेनदारों का आधिक्य कहा जाता है। अवशिष्ट याचना से प्राप्त राशि, यदि कंपनी के द्वारा विभिन्न दायित्वों के भुगतान करने के लिए पर्याप्त राशि नहीं हो पाते तो ऐसी दशा में कंपनी के पास यदि चुकता अंश होती है जिससे उन अंशों पर मांगी जाती है, अवशिष्ट याचना की राशि मांगी जाती है, तो उनसे जो प्राप्त राशि है वे अवशिष्ट याचना से प्राप्त राशि। इस प्रकार से प्राप्ति पक्ष की ओर सबसे पहले रोकड़ और बैंक को लिखा जाएगा, फिर उसके पश्चात संपत्तियों से जो भी वसूली होती है, तो विभिन्न संपत्ति स्थायी भी हो सकते हैं और चल संपत्ति भी हो सकते हैं। स्थायी संपत्ति में भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर, इनसे जो वसूली होती है उनको लिखा जाता है। और चल संपत्ति के अंतर्गत जैसे देनदार है, स्कंध है, तो इनसे जो वसूल की राशि होगी उनको लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से पूरी राशि को जोड़ करके संपत्तियों से वसूली मानी जाती है। और फिर तीसरा जो लिखा जाता है सुरक्षित लेनदारों का आधिक्य होता है, फिर उसके बाद लिख सकते हैं आप, वसूल कर सकते हैं अवशिष्ट याचना से प्राप्त राशि। इस प्रकार से प्राप्ति पक्ष की ओर इन चार मदों को ही लिखा जाता है। अब इसको कुल राशि जितना प्राप्त हुआ है उन राशियों में से क्रमशः भुगतान किया जाता है। तो क्रमशः भुगतान किया जाता है कंपनी अधिनियम के अनुसार निस्तारक के द्वारा सबसे पहले कानूनी व्यय को भुगतान करना पड़ता है। इस क्रम से भुगतान वसूली कैसे भी कर सकते हैं लेकिन भुगतान क्रमशः करना होगा। तो सबसे पहले कानूनी व्यय को भुगतान किया जाता है। कानूनी व्यय के पश्चात निस्तारक जो होता है स्वयं का पारिश्रमिक लेता है। निस्तारक का पारिश्रमिक होता है, निस्तारक के पारिश्रमिक के पश्चात समापन पर जो व्यय होता है उन समापन व्यय का भुगतान करते हैं। समापन व्यय के भुगतान के बाद ऋण पत्रधारी होते हैं, तो ऋण पत्रधारी को भुगतान किया जाता है। ऋण पत्रधारी को ब्याज सहित भुगतान किया जाता है। जिस तिथि को
भुगतान कर रहे हैं उस अवधि तक का जितना ब्याज बकाया होगा उन राशि को भी जोड़ करके ऋण पत्रधारी को भुगतान करते हैं। ऋण पत्रधारी को भुगतान करने के बाद लेनदारों को भुगतान किया जाता है। तो लेनदार जो होते हैं, दो प्रकार के लेनदार होते हैं, एक पूर्वाधिकार लेनदार होते हैं और दूसरा आरक्षित लेनदार होते हैं। तो इस प्रकार से पहले पूर्वाधिकार लेनदार को भुगतान करेंगे, फिर उसके पश्चात आरक्षित लेनदार को भुगतान करते हैं। इन लेनदारों को भुगतान करने के बाद भी यदि राशि शेष रह जाती है, वसूल की गई राशि, तो अंशधारियों को राशि वापस की जाती है, तो अंशधारियों को भुगतान करते हैं। तो अंशधारियों को भुगतान करेंगे तो सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशधारी होंगे, फिर उसके पश्चात जो इक्विटी शेयर होता है संत अंशधारी को भुगतान किया जाता है। तो ये जो जो प्राप्ति है और भुगतान पक्ष है, इन प्राप्ति पक्ष के अंतर्गत जितने भी मद हैं उन मदों का आप विश्लेषण करेंगे कि कौन कौन सी प्राप्ति से वसूल होता है और सुरक्षित लेनदार क्या होता है, अवशिष्ट याचना से प्राप्त राशि क्या होती है, ये बता चुके हैं। फिर भुगतान पक्ष की ओर सबसे पहले कानूनी व्यय को भुगतान करते हैं। जो कानूनी प्रक्रिया में जो खर्च होता है उन खर्चों को भुगतान किया जाता है। उनको भुगतान करने के बाद निस्तारक अपना पारिश्रमिक लेते हैं। तो निस्तारक की पारिश्रमिक की गणना यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है। तो निस्तारक के पारिश्रमिक की जब गणना करते हैं तो इसमें निस्तारक को पारिश्रमिक के रूप में सामान्यतः कमीशन के रूप में ही प्राप्त होता है। तो सबसे पहला संपत्ति की वसूली पर उसको कमीशन के रूप में प्राप्त होता है। तो संपत्ति की वसूली की भी राशि पर कमीशन निकालते समय नगद रोकड़ होता है या बैंक होता है उनको शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि रोकड़ बाकी और बैंक बाकी तो पहले से ही होती है। तो इसे संपत्तियों से बेचकर से के वसूल नहीं किया जाता, परंतु यदि प्रश्न में यदि शामिल करने के लिए निर्देश दिया गया है तभी उनको शामिल किया जाएगा। अन्यथा जो संपत्ति या प्रतिभूति पूर्ण रक्षित लेनदारों के लिए होती है उसका अधिक की साधारणतः संपत्ति से वसूल की हुई राशि में कमीशन निकालने के लिए शामिल किया जाता है, परंतु यदि प्रश्न में पूरी राशि शामिल करने के लिए कहा गया हो तो उस दशा में पूरी राशि को शामिल करना चाहिए। तो इसका जो फार्मूला जो होता है पारिश्रमिक निकालने का, कि संपत्ति से जितनी राशि वसूल हुआ है तो वसूली की राशि गुणित दर बटे 100 से होगा। दूसरा जो रहेगा, यदि आरक्षित लेनदार को भुगतान की हुई राशि पर कमीशन निकालने के लिए कहा गया हो तो ऐसी दशा में आरक्षित लेनदारों पर दी हुई प्रतिशत के आधार पर कमीशन निकालने के लिए दो विधि अपनाते हैं। सबसे पहले कि वास्तव में आरक्षित लेनदार को भुगतान करने के लिए पर्याप्त राशि है कि पर्याप्त राशि नहीं है। यदि पर्याप्त राशि होता है तो ऐसी दशा में भुगतान करने के लिए पर्याप्त राशि है कि आरक्षित लेनदार के लिए, तो आरक्षित लेनदार की राशि गुणित दर बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना होगा कि पूर्वाधिकार लेनदार को छोड़कर नहीं कहा गया है तो उसे भी यहाँ पर इस पारिश्रमिक की गणना में उनको आरक्षित लेनदार मानना होगा या माना जाता है। तो इस प्रकार से पूर्वाधिकार पर भी पारिश्रमिक की गणना की जाएगी। और यदि पूर्वाधिकार लेनदार को छोड़ करके कहा गया होगा तो जो आरक्षित लेनदार होंगे उसी पर ही कमीशन की गणना की जाएगी। जब आरक्षित लेनदारों के भुगतान के लिए पर्याप्त राशि न हो, जैसे हम भुगतान करने के लिए यदि पर्याप्त राशि नहीं है, जैसे 1 लाख रुपये की वसूली हुई है और 1 लाख की वसूली के पश्चात 90,000 तक पेमेंट हो गया है और 10,000 रुपये शेष बच रहे हैं आरक्षित लेनदार को, और आरक्षित लेनदार की राशि दिया हुआ है 50,000, तो पर्याप्त राशि नहीं बच रहे हैं। तो ऐसी दशा में आरक्षित लेनदार के लिए पर्याप्त राशि न होने पर कि सबसे पहले जितना आरक्षित लेनदार के लिए जो बचा हुआ राशि है शेष राशि गुणित कमीशन की दर होगा बटे 100 धन कमीशन की दर, इनके आधार पर कमीशन की गणना करेंगे। तीसरा स्थिति दे सकता है कि यदि अंशधारियों को भुगतान की गई जाने वाली राशि पर कमीशन दिया होगा, कि शेयर होल्डर को भुगतान करने पर कमीशन की गणना करने के लिए कहा गया हो कि निस्तारक को पारिश्रमिक देने के लिए कहा गया हो, तो ऐसी दशा में सबसे पहले जितनी राशि वसूल की गई है उन राशियों में से जो जितने दायित्व होते हैं बाह्य दायित्व होते हैं उन दायित्वों को भुगतान करने के पश्चात जो शेष राशि जो अंशधारियों के लिए बचता है, उन अंशधारियों के लिए जो शेष राशि बचा है उस आधार पर कमीशन की गणना करेंगे। तो अंशधारियों के लिए जो शेष राशि गुणित कमीशन की दर बटे 100 धन कमीशन की दर,
तो अंशधारियों को देय राशि निस्तारा के कमीशन की गणना करने के समय पूर्वाधिकार अंशधारी और समतांशधारी दोनों को ही भुगतान की जाने वाली राशियों का प्रयोग किया जाता है, दोनों राशियों को ध्यान में रखते हैं। फिर आ जाएंगे इसके पश्चात अंशता रक्षित लेनदार का प्रभाव क्या होता है। सुरक्षित लेनदार जिसमें ऋण की राशि कम होती है और प्रतिभूति या गिरवी की राशि अधिक होती है तो उसे क्या कहा जाता है, जो सरप्लस आता है वे सरप्लस के रूप में प्राप्ति पक्ष को लिख दिया। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति हो सकती है कि ऋण की राशि अधिक होती है और उन पर दी जाने वाली प्रतिभूति की राशि कम होती है, तो ऐसी दशा में वसूल की गई राशि को ऋण की राशि में से घटा देंगे और जो शेष ऋण बचा रहेगा उसे आरक्षित लेनदार की तरह माना जाएगा। तो इस प्रकार से आरक्षित लेनदार के अंतर्गत होते हैं। तो आरक्षित लेनदार के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया जाता है, जितने भी प्रकार के व्यापारिक लेनदार होते हैं, देवी होते हैं और ऐसे लेनदार जो पूर्वाधिकार लेनदार नहीं होते उन सभी को आरक्षित लेनदार माना जाता है। तो ये प्रश्न उठता है कि पूर्वाधिकार लेनदार क्या होता है। तो पूर्वाधिकार लेनदार के संदर्भ में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 327 के अंतर्गत एक कंपनी के समापन पर पूर्वाधिकार लेनदार माना जा सकता है यदि वह मालगुजारी कर महसूल एवं दरें जो कंपनी द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार को 12 महीने की अवधि में दे हो। तो उनको जितने भी प्रकार का टैक्स जो 12 महीने की अवधि में पेमेंट करना है, आयकर है, निगम कर है, जितने भी कर होते हैं तो वे सब पूर्वाधिकार के अंतर्गत आएंगे। दूसरा, मजदूरी एवं वेतन के संदर्भ में जो कंपनी के कर्मचारी जो होते हैं यदि 12 महीने के अंदर अधिक से अधिक 4 महीनों के लिए दे हो, माने आउटस्टैंडिंग उनकी सैलरी 4 महीने के लिए होना चाहिए, दे होना चाहिए, प्रत्येक कर्मचारी की दशा में 20,000 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो वेतन और मजदूरी जो 4 महीने कंपनी के समापन के पिछले 4 महीने का भुगतान बाकी है लेकिन उस प्रत्येक कर्मचारी का 20,000 से कम है तो वह वेतन किसके अंतर्गत शामिल करेंगे, पूर्वाधिकार लेनदार के अंतर्गत शामिल करेंगे। और यदि किसी कर्मचारी अधिकारी नहीं है कि नौकरी कंपनी की समापन के आदेश या समापन के प्रस्ताव के पूर्व या समापन के द्वारा या समाप्त की गई हो या उसकी मृत्यु के बाद या अधिकार किसी व्यक्ति को अर्जित छुट्टियां दे पारिश्रमिक, तो यहां पर अर्जित छुट्टियां या दे पारिश्रमिक होंगे तो उनको भी यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत 1923 के अंतर्गत किसी कर्मचारी की मृत्यु या अयोग्यता के संबंध में दी जाने वाली कंपनसेशन जो कंपनसेशन की राशि होती है तो उसे भी पूर्वाधिकार लेनदार माना जाता है। प्रोविडेंट फंड है, पेंशन फंड है और ग्रेचुटी फंड है या किसी कल्याणकारी कोष से कंपनी द्वारा कर्मचारियों को दी जाने वाली राशि है अधिकारियों को छोड़ करके, तो ये प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेचुटी की राशि को शामिल किया जाता है। और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 213 से या उसके 216 के अंतर्गत दिए जाने वाले अनुसंधान के व्यय होते हैं, रिसर्च पर व्यय किया होगा तो अनुसंधान पर व्यय को भी पूर्वाधिकार लेनदार के अंतर्गत शामिल करेंगे। तो पूर्वाधिकार लेनदार के अंतर्गत क्या क्या शामिल होते हैं इसका संक्षिप्त जो है उनकी जानकारी बता देते हैं कि सबसे पहले पूर्वाधिकार लेनदार के अंतर्गत तो इसमें सबसे पहले जितने भी प्रकार के टैक्स होता है, कर्मचारियों का वेतन होता है, कर्मचारी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति होता है, कर्मचारी के लिए प्रोविडेंट फंड है, पेंशन फंड है, ग्रेचुटी फंड है, तो ये सभी जो धनराशि होते हैं जिनका भुगतान योग्य है तो वे पूर्वाधिकार लेनदार के अंतर्गत शामिल करेंगे। अब अंशधारी के अंतर्गत समतांशधारी और पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं। तो इसमें समतांशधारी के पहले पूर्वाधिकार अंशधारी को भुगतान किया जाता है, तो पूर्वाधिकार अंशधारी को जो लाभांश सहित भुगतान करना होगा पूर्वाधिकार, तो इसमें स्थिति देखना होगा कि वास्तव में पूर्वाधिकार अंश पर लाभांश यदि बकाया होगा तो लाभांश की राशि को जोड़ करके भुगतान
की जाएगी। तो इस प्रकार से कंपनी के समापन की दशा में निस्तारक के द्वारा जो लेखा विवरण तैयार करेंगे, इस लेखा विवरण को प्राप्ति एवं भुगतान पक्ष के रूप में व्यक्त किया जाएगा और प्राप्ति पक्ष की ओर जितनी वसूल की जाएगी उनमें से क्रमशः भुगतान करेंगे, और जहाँ तक यदि राशि भुगतान की जाती है या शेष रहती है या भुगतान योग भुगतान कर सकते हैं वहीं तक उनका भुगतान करना होगा, आगे करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन क्रम को ध्यान में रखते हुए करना होगा। थैंक यू।